Very good morning to one and all present over here, guys. Very good morning. Okay. Okay, is my video and audio clarity is okay, guys? चलिए बताइए मुझे video और audio clarity कैसा है एकदम ठीक है? Yes or no? Should I wait for more time? चलो एक आध minute हम लोग और आज wait कर लेते right? Now gate 23 students will not be coming because they have started their core subjects right? So that is why the strength will be like this only. ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे तो ठीक है
राइट. सो टुडे वी विल डू एक्सपर्टीज इन प्रोबेबिलिटी इन द टॉपिक ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. राइट गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स टॉपिक, और उसी के अंदर हम लोग एक्सपर्टीज करेंगे. राइट, वी विल बी बिकम एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक. राइट, यस, ओके गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. जो भी अभी ज्वाइन हुआ है उन सबके लिए भी, राइट, जस्ट स्टिल द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग ओवर हियर. स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है. सो मैं और दो मिनट सिर्फ वेट कर लेता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. राइट गाइज, ओके. So we are going to start, or we are be doing the expertise now. Expertise will become expert in the probability now, right or not? Chaliye, very good guys. We will be expert in this now. Okay. Good morning, Mohit. Good morning. Still students are joining in. It's morning session 7:30 or 7:40 AM, right? So chaliye ab hum log start karte the, ab hum log time waste zyada nahi karenge. So today I'm going to start with the random variables, the most important topic of probability, guys. Most important topic of probability, right or not? Chaliye aage dekhte hain abhi. Aage karte hain hum log. Yes or no now? Okay, chaliye. So suppose now what is my experiment, right? Suppose I am experiment. My experiment is what? Throwing a dice, right? Chaliye. My experiment is what? Suppose I am throwing a dice. Throwing a dice, right? Agar main ek dice ko throw kar liya, theek hai? So what will be the my sample space? Now what will be my sample space? So you will write that if you are throwing a dice, sir, your sample space would be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This would be your sample space. Correct or not? ठीक है, आपने डाइस को थ्रो किया, आपका सैंपल स्पेस क्या बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड इफ आई आस्क व्हाट इज द एवरेज आउटकम, इफ आई आस्क व्हाट इज योर एवरेज आउटकम ओवर हियर, इफ आई आस्क यू गाइस व्हाट इज योर एवरेज आउटकम ओवर हियर, नाउ व्हाट यू विल राइट द एज द एवरेज आउटकम. सो एवरेज आउटकम आप लोग क्या लिखोगे? इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 द होल डिवाइडेड बाय टोटल 6, राइट. आप लोग इधर लिखोगे एवरेज आउटकम. Average outcome is equal to what? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 divided by 6. So if I sum up all these things, this is 11 + 4 = 15, 15 + 3 = 18 + 2. So this will be 21 by 6, guys. This will be what? 21 by 6. So if you calculate this thing, I think this is 6 threes are 18, right or not? 6 threes are 18, and this coming over, I think this is 3.5, right? Yeah, aap log ka ho jayega 3.5 ke barabar. क्लियर है बात? यस, 6 × 5 = 30, करेक्ट. सो दिस इज योर 3.5 इज द एवरेज आउटकम ऑफ दिस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, राइट. मतलब आपने डाइस को थ्रो किया तो हर एक आउटकम का आने का एवरेज कितना हो गया? दैट इज 3.5, राइट. दैट इज द एवरेज आउटकम इज व्हाट? 3.5 मींस यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ द आउटकम, राइट. आउटकम का एवरेज हो गया 3.5. क्लियर, ये आपका हो गया एवरेज आउटकम. समझ आ रही है बात आप लोग को, राइट. सो ये चीज में आप लोग ने जब डाइस को थ्रो किया तो एवरेज आउटकम आप लोग का हो गया सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. ये तो हम लोग को पता है. एवरेज आउटकम बोलो यार, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ मीन आउटकम, राइट. यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ मीन आउटकम. क्लियर, आप लोग उसको भी बोल सकते हो, ठीक है. सो नाउ इफ आई एम टेकिंग नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट गाइस, इफ आई एम टेकिंग अनदर एक्सपेरिमेंट दैट टॉसिंग अ कॉइन, राइट. इफ आई एम टेकिंग अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट? टॉसिंग अ कॉइन. इफ आई एम टेकिंग अनदर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, देन इफ आई राइट द सैंपल स्पेस ओवर हियर, अगर आपने सैंपल स्पेस टॉसिंग द कॉइन को लिखा और उसका सैंपल स्पेस तुमने लिखा हेड एंड टेल, now what is the average outcome of now what is average outcome of this experiment guys, आपका average outcome इधर क्या हो गया? तो आप क्या ऐसा लिखोगे h + t / 2? क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज आप लोग के लिए सही है कि can you write this thing as the average outcome is h + t / 2? Because average should be some number ना. एवरेज आपका क्या होना चाहिए? कोई नंबर होना चाहिए ना. बट दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज द अल्फाबेट h plus. How can you add up this h + t / 2? It cannot be added up, right? It cannot be added up. Clear or not, right? Similarly, if I take the another example, that suppose if I am taking another experiment, like
दैट इज टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, राइट? सपोज मैं एक और एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स. Suppose I am taking one another experiment, that is tossing of two coins. So if you write over here the sample space of tossing of two coins, now what will be that sample space, guys? So aap likhoge iska sab sample space. So tossing of two coins ka sample space ho gaya head and head, head and tail. Then it will be tail and head, and it will be tail and tail. Now if I want to find average outcome over here, agar aap log idhar average outcome find karoge, so aap log isko kya likhoge? Aisa likhoge h plus h plus ht plus th plus tt plus tt divided by 4. क्या ये चीज सही है guys? क्या ये चीज सही है? ये चीज भी आप लोग की एकदम गलत हो जाएगी ना guys. ये चीज आपके एकदम एवरेज आउटकम इज नॉट लाइक दिस. एवरेज आउटकम हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना. अल्फाबेट का समेशन हम कैसे करेंगे? हाउ कैन आई डू दी समेशन ऑफ अल्फाबेट, राइट? सो फॉर दैट पर्पज गाइज वी रिक्वायर्ड वन वेरिएबल, और फॉर दैट पर्पज I required some number which can be assigned to each outcome of the sample space. I required one variable, I required a number which can be assigned to each outcome of the sample space, and that variable which I am assigning over here, that variable will be known as the random variable. Har ek outcome ko assign karne ke liye mere ko ek number chahiye aur ek variable chahiye jo pure sample space ko sare sample space ke sare elements ko assign kar lena, वैसे वेरिएबल को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल सी ओवर हियर, फॉर एग्जांपल आप ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा. सपोज हम लोग यही एक्सपेरिमेंट रखते हैं ना, सपोज हम लोग यही एक्सपेरिमेंट रखते हैं टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, राइट? यही एक्सपेरिमेंट जो है हमारा टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, राइट? सपोज हम लोग यही एक्सपेरिमेंट रखते हैं टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स जब आप रखोगे तो आप लोग बोलोगे सपोज आई एम असाइनिंग वन रैंडम वेरिएबल एक्स, राइट? सपोज आई एम असाइनिंग वन रैंडम वेरिएबल एक्स. नाउ रैंडम वेरिएबल एक्स इज यू, इफ यू आर असाइनिंग अ रैंडम वेरिएबल एक्स, आई एम टेकिंग द रैंडम वेरिएबल एक्स एज व्हाट? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, राइट? अगर मैं रैंडम वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं, आई विल गिव एक्स टू व्हाट? एक चीज को मैंने असाइन किया, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अगर हम लोग सैंपल स्पेस के अंदर सारे आउटकम्स की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा होता है हेड एंड हेड, देन हेड एंड टेल, then tail and head, then tail and tail. Now if you are assigning x, then what will be the values of x, guys? What will be the x values of x? So aap log ko iske andar jo hai na, aap log ke paas iske andar kitne heads dikh rahe, so you will call this heads as what? 2. Aapko iske andar kitne heads dikh rahe, so you will call this this is called, aapko dono ke andar one head dikh rahe, aur aapko iske andar kitne heads dikh rahe, so you will call it as a zero head. Idhar aapke paas koi head hi nahi hai. To aap dekho har ek outcome ke liye, jaise for example head aur head ke liye ek number maine assign kar liya, ye dono ke liye bhi maine ek number 1 ko assign kar liya, aur tail ke liye bhi ek number assign kar diya, then I can easily assign a number, I can easily assign the number to each element of the sample space. Then this variable, this x is considered as what? This x is considered as your random variable, guys. Isko hum bolte hain random variable, right? So do you understood what is the meaning of random variable, guys? Random variable is what? Random variable is what? It is a real valued function of an experimental outcome. It associates a particular number with each outcome of the sample space. एक एक आउटकम सैंपल स्पेस के लिए एक नंबर एसोसिएट होता है, वो उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स. क्लियर हो रही है गाइस ये बात? आप लोग के पास ये बात क्लियर हो रही है? समझ आई बात? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल? ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ यू चलिए बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल. सैंपल स्पेस के हर एक आउटपुट के लिए कोई नंबर असाइन कर लो, उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स, राइट? ओके, चलिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, जो अभी लेट ज्वाइन हुए. जस्ट आई हैव स्टार्टेड द सेशन, I have started with the concept of random variables, right, guys? And what is the meaning of random variables? It is just assigning a numerical value to each outcome of the sample space. That is the meaning of random variable, right? Now, why I require this type of knowledge? Why I require random variables, right? Because in now we are entering into the statistics department. Now we are entering into the statistics portfolio, and in that I have to find the mean and the average or variance. And you can say all that statistical terms जो भी आगे आएंगे वो सारे चीज हमको find करना होता है, तो वहां पे हमारा अल्फाबेट से काम नहीं चलता, right? मतलब हम लोग जो कोई भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम है उसके आउटकम को हम लोग एक नंबर असाइन करना पड़ेगा,
तब जाके मेरा वो काम बनेगा, बाकी आपका कोई काम नहीं बनेगा वहां पे, ठीक है, स्टेट्स के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस वेरिएबल, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। सो एवरी सैंपल स्पेस, एवरी एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज असाइंड बाय स्पेसिफिक आउटपुट, सॉरी बाय स्पेसिफिक नंबर, दैट इज नोन एज नाउ रैंडम वेरिएबल, राइट, दैट इज नोन एज बाय रैंडम वेरिएबल, राइट गाइज। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल गाइज, इज दैट क्लियर टू ऑल, right? So there are two types of random variables. One is the discrete random variable and second is a continuous random variable, right or not? So first of all, we will study what is the meaning of discrete random variables and then we will study about the continuous random variable, ठीक है? पहले हम study करेंगे discrete random variable के बारे में और फिर ही हम लोग पढ़ेंगे what is the meaning of continuous random variable, guys? What is the meaning of continuous random variable? Is that clear to all, guys? Is that clear, guys? इधर तक सबको समझ में आया ना, इधर तक सबको समझ में आया, यस और नो बताइए, इधर तक क्लियर हुआ सब लोग को? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, राइट, ओके, चलिए। सो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, अगर इसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, यू कैन सी ओवर हियर द रैंडम वेरिएबल इज असाइंड, द रैंडम वेरिएबल इज असाइंड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस नाउ, टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस, राइट। नाउ वी आर हैविंग, सो यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट वी विल सी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब क्या, a random variable is discrete if its range is or if its range or if the set of values it can take is either finite or countably infinite, right? For example, abhi jo hamara random variables tha uske andar kaun si values assigned hui, कौन सी वैल्यूज असाइंड हुई, तो आप बोलोगे जीरो वैल्यू असाइंड हुई, वन वैल्यू असाइंड हुई और टू वैल्यू असाइंड हुई। सो दिस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, राइट। आप लोग गिन सकते हो ना कि x की कितनी वैल्यूज आपने असाइन की, तो आप बोलोगे सर x की मैंने टोटल 3 वैल्यूज असाइन की। सो दैट इज योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, दैट इज योर व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट। सपोज इफ योर x इज द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इट इज काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब काउंट कर सकते हैं ना हम लोग, बोल सकते हैं ना इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 मतलब सारी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही मैंने असाइन की, तो इसको भी हम बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसको भी हम क्या बोल देंगे गाइस, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोल देंगे, क्योंकि x इधर सिर्फ आइदर इट कैन टेक, x इज टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, x इज टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 लाइक दैट, एंड अगेन नाउ इफ द x इज टेकिंग एनी वैल्यू ऑन द नंबर लाइन, राइट, अगर तुम ये नंबर लाइन पे x की वैल्यूज प्लॉट करोगे ना गाइस, तो इधर आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 लाइक दैट ओनली। बट अगर x सारी वैल्यूज ले रहा है, सपोज इट इज टेकिंग एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, इट इज टेकिंग एनी वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3, इट इज टेकिंग एनी वैल्यू बिटवीन 3 एंड 4, अगर x जो है वो कोई भी वैल्यू ले लेता है, कोई भी वैल्यू आपका x अगर लेता है, इट कैन बी आइदर ऑफ द एनी वैल्यू बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, देन यू कैन कॉल दैट एज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बट ये डिस्क्रीट है ना, ये क्या है, डिस्क्रीट है, either it can take x, either x can take value 1 or 2 or 3 or 4 like that, मतलब आपके बीच में एक जगह बचेगी, when you plot the graph of this, आप लोग के पास, आप लोग के अंदर variables के बीच में कहीं ना कहीं जगह रहेगी, right or not, but if x can take any value between 1 to infinity, then you can call it as a, then you can call it as a what, discrete random, sorry, any value के लिए उसको हम बोलेंगे continuous random variable, so there are two types of random variable, इधर मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया और दूसरा आपके पास हो जाता है, आप दूसरा आपके पास हो जाता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो दैट आई विल डिस्कस इन द अनदर क्लास, राइट, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो है वो हम लोग अनदर दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे, इधर सब सिर्फ हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट, नाउ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर गाइस, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, नाउ ओवर हियर over here, now I will write the probability associated to each random variable, right? So I will write the probability of x, I will write the probability of x, I will write the probability associated to each random variable of the x, right? So अब हम लोग हर एक random variable को, हर एक random variable की probability लिखेंगे, हर एक random variable की हम लोग लिखेंगे probability. So see over here, suppose I want to write probability of x is equal to 2. उसका मतलब क्या था, probability of what? Probability of two heads. Probability of two heads आपने क्या लिखा guys? Guys, probability of two heads आपने क्या लिखा? So what will be the probability of two head? So it will, the favorable outcome is only one.
and out of the total four outcomes, तो आप लोग उसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल टू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, रैंडम वेरिएबल टू आने का मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल टू आने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, और टू हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/4, टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गया आपके पास 1/4। सो आप लोग को एक प्रोबेबिलिटी ये हो गया 1/4, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 1/4। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, समझ में आया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का क्या निकाला, कैसे निकाला, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1, मतलब रैंडम वेरिएबल 1 जो है ना वो कितनी बार आ सकता है, तो तुम बोल सकते हो इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, हेड और टेल, और आप बोल सकते हो टेल और हेड, राइट। सो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, और टेल और हेड, तो आप बोल सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो आप लोग के पास दो बार आएंगे आउट ऑफ 4 टाइम्स, it can come 2 times out of 4 times, so that probability is 1/2, so that probability is 1/2, that probability is 1/2, so double head ki probability, matlab sorry, one time head aane ki probability ho jayegi 1/2, one time heads aane ki probability ho jayegi 1/2, and now what is the probability of x is equal to 0 heads, matlab x is equal to 0 matlab no head matlab kya, probability of tail. So what will be that probability guys, what will be that probability, तो सबसे पहले इधर भी मैं 1/2 लिख देता हूँ क्योंकि इधर भी 1 आने की probability आप लोग के पास हो गई। So now you can write the probability of tail now, what is the probability of tail, so वो भी tail आपका एक बार आएगा तो उसकी probability कितनी हो जाएगी, again it is 1/4, again it is what guys 1/4, एक ही बार आ रहा है ना tail, double t आपका एक ही बार आ रहा है, so वो आपका हो जाएगा 1/4, so now what I am doing, I am just writing the random variable x and its probability in this table, right, so अगर आप देखोगे तो x is equal to 0 है तो उसकी probability मेरे पास कितनी थी 1/4, x is equal to 1 की probability कितनी आई आपकी 1/2, x is equal to 2 की probability आपके पास कितनी आई 1/4, अगर आपने देखा तो मैंने probability लिख लिया सबका उसके बाजू में, right, 1 आपका दो बार आ रहा है ना, so you can see this 0 is associated to only one outcome, 0 किसके साथ associated है, तो अगर दोनों tail आता है तो 0 आएगा, so 0 is associated to double tail, 1 is associated to 2 outcomes, it is tail head or head tail, and 2 is associated to both the outcomes, that is head and head, so I have assigned random variables to all the output of the sample space and I have written the probability of each outcome over here, right, so what is the probability of 2 tails 1/4, or you can also call it is what is the probability of no head, that is also 1/4, it is the probability of x is equal to 1, matlab probability एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4 गाइस 1/4 एंड इफ यू सी ओवर हियर इफ यू गाइस सम ऑफ दिस कॉलम इफ यू सम ऑफ p ऑफ x व्हाट द प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, अगर आप समेशन उसका कर देते हो तो आप देख पाओगे इधर से इट विल बी व्हाट अगेन, so it will give me the value as 1, see you can see over here 0.25 plus 0.25 that is 0.75, 0.75 plus 0.25 आपका आंसर 1 आ जाएगा, so probability is 1, probability of the random variable, the sum of probabilities of random variable will be always equal to 1, then such the probability, this p of x is said to be probability mass function, इसको हम क्या बोलेंगे, probability mass function बोलेंगे, since each value of random variable x is obtained by the outcome of probabilistic experiment, probabilities can be assigned to each values of each value that x can take, this is done through probability mass function PMF of x denoted by p of x where x is any value of x, see, so p of x is equal to x is dot probability that x can take the value of x, right, probability that x can take that value x, right, probability that x can take value 0, probability that x can take that value 1, probability that x can take that value 2, वो सारी probability देखते हैं जो table आपका बनता है ना, उसको हम बोलते हैं probability mass function, तो guys इधर जो आपका table बना ना उसको हम बोलेंगे probability mass function, इसको हम बोल देंगे क्या probability mass function, yes or no बताइए मुझे, इसको हम बोलेंगे the probability mass function, right or not guys, आपको समझ में आया ना ये चीज,
Everyone got this point clear or not? Chaliye, bataiye mujhe. How to write the probability mass function? The random variable, the if you have assigned the values to the random variable, and if I'm finding the probability of all the random variables, of all the values assigned to the random variables, then I will get one probability mass function. Usko hum bolte hai, is function ko hum bolte hai, ek value, matlab ek value x hai, uska probability kitna, isliye isko hum bolte hai, us mass, the, these are the masses, 0, 1, 2 are the masses. और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है तो उसका हम लोग बोलेंगे 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 राइट सो दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका नाम हो गया ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन राइट ये आप लोग का जो नाम हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन राइट सो हमारे पास यही था देखो वापस अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिटरमाइन द व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स डिटरमाइन पीएमएफ ऑफ एक्स डिटरमाइन पीएम ऑफ एक्स है तो हमने पीएमएफ ऑफ एक्स निकाल दिया गाइस पीएमएफ एक्स वापस मैं इधर लिख देता हूं एक और बार पीएमएफ एक्स तो मेरा एक्स जो था रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड मेरा इवेंट था दिस इज एक्स बी द रैंडम वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन सो हेड कैन बी 0 1 एंड 2 एंड इफ आई एम राइटिंग पी ऑफ एक्स दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर मैं लिखता हूं So, ये 1/4 होता था ये 1/2 होता था ये मेरा 1/4 अगेन हो जाएगा और अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे गाइस अगर ग्राफ के ऊपर तुम रिप्रेजेंट अगर इसको करते हो राइट सपोज इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग ऑन द ग्राफ दिस इज सपोज यूर पी ऑफ एक्स एंड दिस इज सपोज यूर रैंडम वेरिएबल एक्स नाउ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4 सो आप लोग इधर से ऐसे ऐसे ग्राफ बनाओगे प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 आएगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया सो एक्स इज इक्वल टू 1 पे द प्रोबेबिलिटी इज 1/2 तो आप लोग के पास इधर 1/2 आएगा एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसका प्रोबेबिलिटी आ गया अगेन 1/4 सो यू कैन सी दिस दिस इज नोन एज योर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन discrete distribution इसको हम बोलते हैं discrete distribution right it is simple you can say that random variables are discrete so उसके probability का distribution भी आपका discrete रहेगा so ये आपका जो graph हो गया वो discrete distribution को represent करता है इस चीज को हम बोलते हैं discrete random variable distribution इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं discrete random variable see इस चीज को हम बोलेंगे discrete random variable राइट और उसके ग्राफ जो हमने बनाया उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ये जो ग्राफ आपका बना वो आपको डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट दिखा हुआ समझ आई बात सब लोगों को राइट गाइस नाउ नाउ ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट नाउ ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट यस और नो बताइए मुझे ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट क्लियर और नॉट right or not so this is known as your random variable and it's a discrete distribution right now why I have written random variable guys now the main purpose of writing random variables now if I am writing what are the average outcomes over here now what are the average outcomes so if you write average outcomes that is average outcome is what you have assigned values to all x So if you are if you write the numerical values of x again either agar aap log numerical values of x likhoge so this is 0 plus 1 plus 2 divided by 3 agar tumne aisa kar diya to ye cheez bhi aapki galat ho jayegi ye cheez bhi galat ho jayegi why it is galat because now 1 is associated to two outcomes and you have only counted for one thing right so again if you write the average of these outcomes again if you write the average of outcomes then it will be what 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 2 0 plus 1 plus 1 because 1 is coming 2 times divided by 4 so now it will give you the average outcome now average number of head will be 1 iska matlab ye hota hai the average number of heads is equal to 1 theek hai average answer aaya aap log ka 1 so average number of heads is 1 average answer aap log ka ho gaya ek bar head aapka aayega right aise matlab that is the average number of head ek bar head aayega nahi It is the average number of head. Average तब निकालते हैं बहुत सारे बार हम लोग toss करेंगे तो average number of head कितना आ सकता है मतलब दो coin को toss करेंगे तो average number of head is what one ठीक है so that is the meaning of this that is the meaning of this that means what if you can if you see this distribution over here अगर मैं इसको distribution अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास हो गया 0/4 आप लिख सकते हो आपका 1 दो बार है आपका 1 जो है ना वो दो बार है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना 1 is what 2/4 राइट वन आपका दो बार है तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा और अगर आप देखोगे टू तो टू बाय फोर मतलब इसको तुम ऐसा लिख सकते हो टू इंटू वन बाय फोर टू इंटू वन बाय फोर टू इंटू वन बाय फोर राइट सो इफ यू कैन इफ यू सी दिस जस्ट आपने जो एवरेज निकाला ना उसको मैंने एक और अलग तरीके से लिखा है मैंने
जो भी मैंने एवरेज लिखा है ना उसको मैंने एक और तरीके से लिखा, ये 0 × 1/4 है। तो अगर आप चेक कर सकते हो, अगर आप ये चेक करोगे कि ये जो आप लोग का 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये किसके वैल्यूज है, तो आप बोलोगे दिस आर ऑल द रैंडम वेरिएबल्स वैल्यू, ये सारी x की वैल्यूज है। किसकी वैल्यूज है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। और इफ यू सी ओवर हियर कि ये जो सारी वैल्यूज है 1/4, 2/4 एंड 1/4 आर द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स एसोसिएट टू x = x, मतलब अगर 0 आने की प्रोबेबिलिटी उसके बाजू में लिखा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी उसके बाजू में लिखा हुआ है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी उसके बाजू में लिखा है, मतलब दिस इज सिंपल बट एवरेज आउटकम्स की अगर मैं फॉर्मूला करूं तो आई कैन सम अप, और यू कैन से इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, सम रैंडम वेरिएबल x into p of x, random variable x into p of x, और अगर सारे x into p of x का हम लोग ने summation कर लिया, I will get the average number of outcomes, or I will get the expectation of x, or I will get the mu answer, that is mean answer. So now mean of the random variables is given by sigma x into p of x. Mean or expectation or mu इसको हम बोलेंगे, right or not? So mean is what? It is always sigma x into p of x. मतलब आप कोई भी random variable ले लो, उसके बाजू में उसकी probability लिख दो, उसको multiply कर, sorry, उनको multiply करके add कर लो, that will give you the mean of answer. That will give you, is it always? Yes, it will be always like that. It will be always like that. It is the formula for finding the mean of probability mass function. It is the formula for finding mean of random variables, right? It is not always one, right? वो तो आप लोग का data इधर satisfy हो गया, इसलिए one हुआ ना, बाकी हर बार one थोड़ी होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूरी है, एक चीज है कि जो आप probability mass function है, इनका summation कर लोगे, ये summation जो है ना, वो always one होगा। इनका summation जो है, वो always one होगा, right? इनका summation जो है, वो always one होगा। पर आप लोग का मीन का आंसर 1 नहीं हो सकता, आपका मीन का आंसर 1 नहीं हो सकता, राइट और नॉट? सो यू कैन सी द एक्सपेक्टेशन ओवर हियर, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ x इज नॉट, सी इट इज रिटन एज e ऑफ x सिग्मा x इनटू p ऑफ x, राइट? इट इज व्हाट? सिग्मा x इनटू p ऑफ x। समझ में आया सब लोग को ये चीज समझ में आई, राइट और नॉट? चलिए बताइए आप लोग, ये चीज मुझे आप लोग को समझ में आया, मीन इज गिवन बाय x into p of x, ठीक है? और probability density function के आप लोग के पास दो चीज होती है कि अगर आपने देखा कि probability of x जो है ना वो हमेशा greater than equal to 0 रहेगा, less than equal to 1 रहेगा, ठीक है? ये हमेशा greater than equal to 0 और less than equal to 1 probability mass function and probability of x जो है ना, okay, and एक और चीज, the sum of the probabilities sigma p of x की value जो है ना, सिग्मा पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 रहेगी, सिग्मा पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर ये पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने वापस इधर लिख के दिया, और आपको पता भी चल गया ना कि ऑब्वियस बात है, हर एक की प्रोबेबिलिटी, हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मीन ऑन सिग्मा ऑफ दिस इज सिग्मा एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, मीन आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स इनटू पी ऑफ एक्स। Okay, so that is the meaning of expectation, guys. That is the meaning of expectation or mean, right? इसका मतलब होता है expectation and mean, right? So I hope you guys got clear about this. आपको समझ में आ गया सब लोगों को? What is the meaning of expectation and mean, right? So if we define nth moment of x as the expected value of x, मतलब हमने अगर nth moment निकाल दिया, nth moment, so that is sigma xn. Now you just don't have to understand the physical meaning over here. Just simply see कि अगर मेरे पास इधर sigma of mean of x पूछा है, तो वो आपका x into p of x है. Mean of x to the power n पूछा होता, तो that is simple the x to the power n into p of x. Mean of x to the power n पूछा होता, तो it is simply x to the power n p of x, right? तो ये चीज सिर्फ आप लोग अभी के लिए याद रख लो, formula इसकी याद रख लोगे, ठीक है? आगे नेक्स्ट, आगे पूछा है वेरिएंस ऑफ एक्स इज यूज्ड टू मेजर द डिस्पर्जन ऑफ एक्स अराउंड द, वेरिएंस आपको क्या बताता है कि आपका डेटा अपने मीन से कितना वेरी कर रहा है, वो चीज आप लोग का होता है वेरिएंस, राइट? वेरिएंस क्या होता है? आपका डेटा अपने मीन से कितना दूरी पे होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू एवरेज, वेरिएंस जो है ना वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल अगर देखने जाओ तो वेरिएंस जो है दैट इज इक्वल टू योर जो मीन है ना,
मतलब जो भी आपका रेंडम वेरिएबल एक्स है वो मीन से कितना दूरी पे है, बट अगर ये माइनस और प्लस के साइन बहुत आती रहती है, एक्स माइनस म्यू, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो ऑलवेज वी यूज टू स्क्वायर इट अप, ऑलवेज वी यूज टू स्क्वायर इट अप, और उन सारों का समेशन, मतलब उन सारों का तुमने एवरेज ले लिया, वो सारी चीज का तुमने एवरेज ले लिया, सो यू विल गेट, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द वेरियंस ऑफ द इक्वेशन, राइट। आप देख सकते हो इधर से मैंने लिखा ना वेरियंस क्या, कि आपका एक्स माइनस मीन उसका होल स्क्वायर, और उसका तुमने एवरेज ले लिया, मतलब सिग्मा ले लिया, ओके एवरेज ले लिया, मतलब इसका इनटू व्हाट, एवरेज लेने का मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, दैट विल गिव यू व्हाट मीन ऑफ द, सॉरी वेरियंस ऑफ द डेटा। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरियंस गाइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरियंस, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, x माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी ऑफ x। तो सिंपल अगर तुम देखने जाओगे तो इसके अंदर अगर मैं इस चीज को एक्सपांड कर दूं तो ये आपके पास हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वॉट पी ऑफ x, इंटू वॉट पी ऑफ x, राइट, इंटू आप लोग के पास क्या आ गया इधर पी ऑफ x, ठीक है, ये चीज हो सकती है। सो सिग्मा आप लोग के पास इधर से अगर पी ऑफ x सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आप बोल सकते हो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स, नाउ टू एंड म्यू तो आप लोग के कांस्टेंट टर्म है ना, म्यू की तो कोई वैल्यू आई होगी ना, सो दिस इज सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, टू टाइम्स म्यू इंटू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस प्लस इफ यू राइट ओवर हियर दैट इज योर म्यू स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट होगा इंटू सिग्मा पी ऑफ एक्स, मैंने हर एक के साथ सिग्मा लगा दिया, ब्रैकेट ओपन किया, हर एक के साथ मैंने सिग्मा लगा दिया। नाउ यू कैन राइट दिस थिंग एज व्हाट, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स, अब आप देख सकते हो गाइज ये सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आपका म्यू के बराबर होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आपका किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, तो ये आपका टू टाइम्स म्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका, आपको पता है कि सिग्मा पी ऑफ एक्स आपका वन के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर, ये आप लोग का हो जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर। सो नाउ इफ यू राइट ओवर हियर दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब यह क्या हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर, राइट और नॉट, टू टाइम्स म्यू का स्क्वायर, ओके ये सिग्मा, मतलब ऑब्वियस बात है मैंने सिग्मा दोनों में नहीं लगता, ऑब्वियस बात है मैंने सिग्मा को ओपन कर ही लिया था, तो इधर ये ब्रैकेट नहीं आ सकता, इधर ये ब्रैकेट नहीं आ सकता, वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो सिग्मा आप लोग का जो है वो इधर ही आएगा, और इधर भी हमारा पास ये जो ब्रैकेट है वो इधर नहीं आ सकता, राइट, इट इज नॉट ऑन द होल, इट इज सिंपली ऑन दिस ओनली, राइट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर, इट इज ऑल्सो द वेरियंस फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो द वेरियंस फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हो, वेरियंस इज ऑल्सो रिटर्न, यू कैन राइट आउट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, इसको मैंने एक्सपांड किया है, इस चीज को मैंने एक्सपांड किया है, इधर गलत लिखा हुआ है, इट इज वॉट ई ऑफ, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस, माइनस यू कैन राइट दिस इज द मीन, ई ऑफ एक्स इज वॉट मीन, तो मीन को हम म्यू लिखते हैं, म्यू का स्क्वायर, ऐसा लगते हैं तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, राइट, सो दैट विल गिव यू द वेरियंस ऑफ द आंसर, आप लोग को वो आंसर जो होगा वो वेरियंस देगा, राइट। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द वेरियंस। नाउ इफ यू सी द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वॉट, if you find the square root of variance then it will give you standard variance right, sorry standard deviation, agar tumne variance ka square root nikal diya to wo aap log ko standard deviation dega, aapko kya dega, standard deviation wo aap log ko dega. So now what is the note over here, what is note, so then mean and variance of linear function of a random variable let y is equal to ax plus b, then expectation of y is a times x, expectation of x plus b, ये just आप लोगों को as a identity याद रखो, अगर मेरा random variable y जो है वो linearly dependent है on random variable x, that is ax plus b, तो mean of y is also e into e of x plus b, and variance of y is a square into variance of x, इसको proof की अभी जरूरत नहीं है, इस चीज को याद रख लेना पड़ेगा आप लोगों को, so अगर आपका random variable y जो है वो linear function of x random variable से है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आपका ई ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा, और रेंडम वेरिएबल वाई आपका वेरियंस जो होगा वो ए स्क्वायर
वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। जस्ट स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, इट इज जस्ट द स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर गाइस, राइट। तो समझ में आया आपको मीन और वेरियंस का फॉर्मूला कैसे बना, बाय यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी, बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गाइस। आप लोग को ये चीज समझ में आई, मीन और रैंडम वेरिएबल का ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। ओके, अब आप आगे देखोगे ना, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जब आप क्वेश्चन इसका देखोगे तो और आप लोग के पास ये सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर, वन बाय वन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, डिटरमाइन मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है कि ये रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स आपकी वैल्यू टेक कर रहा है 1, 2, 3, 4, मतलब एक्स आपका रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 आप लोग का ले सकता है, और आपको उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख के दिया हुआ है, इट इज 0.12 k - 1.2 एंड 0.5। नाउ आई नो दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। Sum of probability mass function is always equal to 1. So that implies what? That implies what, guys? 0.1 plus 2k minus 1 plus 0.2 plus 0.5 plus 0.2 plus 0.5, that should be equal to 1. That should be equal to 1. So from here you can write over here, guys. From here you can write over here. This is 0.1, 0.2, that is 0.3, and 0.3 plus 0.5, that is 0.8. So 2k minus 1 plus 0.8 is equal to 1. So from here you can write 2k minus 1 is equal to 0.2. From here you can write 2k is equal to 1.2. So that implies, correct, main sare steps likha, baki easily calculation ho sakta tha, k is equal to what? 0.6. k ka value aapka 0.6 aa gaya, correct. K value is what? 0.6. to dekho mujhe k ka value mil gaya, राइट। आई गॉट द वैल्यू ऑफ के, सो अब मैं एक्स को अच्छी तरीके से लिखता हूँ और उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अच्छी तरीके से लिखता हूँ, राइट। सो दिस इज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैन बी, एक्स कैन टेक द वैल्यू 1, 2, 3, 4, एक्स आपका जो है वो वैल्यू 1, 2, 3, 4 ले सकता है। देन उसका पी ऑफ एक्स वैल्यू जो है, पी ऑफ एक्स वैल्यू जो है वो आपका वैल्यू 0.1 ले सकता है। देन दैट इज 1.2 माइनस 1, मतलब आपका ये वैल्यू 0.2 लेगा। 2k minus 1, k का तो वैल्यू 0.6 आया ना, k का वैल्यू तो 0.6 आया, तो ये आप लोग का ले सकता है इस तरीके से, राइट। अगेन नेक्स्ट जो 3 आया, 3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.2, 3 इज 0.2 एंड 4 इज व्हाट? 0.5, 4 इज योर 0.5, राइट। 4 आप लोग का जो है वैल्यू लिया 0.5। सो नाउ सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पी ऑफ एक्स। तो अगर तुम देखोगे इधर से, अगर तुम इधर से देखोगे तो सिग्मा पी ऑफ एक्स आपका 1 आ गया, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। सो मेरा जो मीन होता है, मीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसको हम मीन ही बोलते हैं। तो दैट इज इक्वल टू, मैंने उसकी फॉर्मूला आपको बता दी थी, इट इज सिंपली इज व्हाट? एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो आप लोग इधर क्या कर दो, बाजू में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यूज निकाल दो, राइट। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सो 1 × 0.1 आपका 0.1 आ जाएगा, 2 × 0.2 आपका 0.4 आ जाएगा, 3 × 0.2 आपका 0.6 आ जाएगा, और 4 × 0.5 दैट इज 4 × 4, 5 = 20, इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। इसका समेशन कर लीजिए गाइस, x into p of x का समेशन आपका आ जाएगा इधर से आंसर, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, ये आपका 3.1 आ गया आंसर, 3.1 गाइस। तो सिग्मा x into p of x आपका आ गया 3.1। सो द मीन ऑफ द आउटकम्स और मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो आपका 3.1 आ गया, यस और नो? चलिए समझ में आया सब लोग को, एक्सपेक्टेशन का आंसर 3.1 आया, राइट और नॉट गाइस? एक्सपेक्टेशन आंसर क्या आ गया? 3.1, क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वेरियंस ओवर हियर, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वेरियंस ओवर हियर। सो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम जस्ट फाइंडिंग एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। मैं वेरियंस के लिए एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रखूंगा, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर करके, मतलब 1 का स्क्वायर करो और 0.1 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज इक्वल टू 0.1। 2 का स्क्वायर हो जाता 4, 4 × 0.2, सो 4 × 0.2 तुम्हारा 0.8 के बराबर आ जाता।
3 का स्क्वायर 9 into 0.2 तो वो आपका 1.8 के बराबर आ जाता, एंड 4 का स्क्वायर 16 5 आर 80 तो ये आप लोग का 8 के बराबर आ जाता। तो सिग्मा आप लोग का जो है, सिग्मा जो है आप लोग का गाइस वो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू जो होती है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, जस्ट इसको कैलकुलेट कर दीजिए 1.8 प्लस 8 दैट विल बी गिव यू माई 9.8 राइट। 1.8 प्लस 8 कितना मिलेगा आप लोग को 9.8 राइट और नॉट, और 9.8 प्लस 0.8 दैट इज 10.6, 9.8 प्लस 0.8 दैट इज 10.6 करेक्ट है ना, 9.8 प्लस 0.8 इज 10.6, 10.6 प्लस 1 दैट इज 10.7, सो इसका आंसर आपका आ गया 10.7। सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का आंसर आ गया 10.7। सो नाउ योर वेरियंस इज वॉट, मैंने आपको आगे फॉर्मूला लिखाई थी ना, वेरियंस जो फॉर्मूला होता है उसका सिंपल मतलब होता है इट इज द सिग्मा ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस आपका म्यू का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सो दैट मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ स्क्वायर का आंसर बताओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का आंसर तो आप लोग को मिलेगा इधर से 10.7 माइनस म्यू स्क्वायर आपका कितना हो गया, म्यू का स्क्वायर मतलब कितना 3.1 का स्क्वायर माइनस 3.1 का स्क्वायर राइट। सो जस्ट कैलकुलेट आउट दिस थिंग गाइस, जस्ट कैलकुलेट आउट दिस थिंग, वेरियंस की मैंने फॉर्मूला लगा दी इधर से आप देख सकते हो वेरियंस का फॉर्मूला, जस्ट मुझे कैलकुलेशन करके बता दीजिए गाइस क्या आ रहा है आंसर, चलो बताओ फास्ट, जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग गाइस, जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस, जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर, चलो क्या आंसर आएगा बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो बताओ आंसर, 1.09 ओके गाइस योर आंसर इज 1.09, चलो सबका आंसर जो आ रहा है ना वो 1.09 आंसर आ रहा है, देखो सब लोग बता रहे माय आंसर इज 1.09, क्लियर ये बात राइट, क्लियर हो गया सब लोगों को, सो योर आंसर इज 1.09 गाइस 1.09, सो दिस इज अबाउट योर वेरियंस, समझ में आया मीन और वेरियंस कैसे निकालना हुआ राइट, मीन और वेरियंस। तो आप लोग को देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग को मीन निकालना आ गया, वेरियंस निकालना आ गया, वो सारी चीज आपको निकालने आ गए, मीन एंड वेरियंस आपको निकालने आ गए राइट और नॉट, मीन एंड वेरियंस यू कैन इजिली फाइंड आउट फ्रॉम दिस, ओके गाइज ओके नेक्स्ट। अगर आप देखोगे इधर से, सो अगेन आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन राइट, आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नाउ, अ रेंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, सी आपका एक्स जो है ना वो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज राइट, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइज, एक ही मिनट, मतलब आप लोग बोल सकते हो एक्स कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव, देखो ऑल नॉन नेगेटिव बोला है ना, तो जीरो ले सकता है, वन ले सकता है, टू ले सकता है, थ्री ले सकता है, अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज एक्स कैन टेक, अप टू इनफाइनाइट वैल्यूज एक्स कैन टेक राइट और नॉट। नाउ इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा टू द पावर आर, मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करूं तो ये आपका जो होगा इसका वैल्यू जो होगा वो अल्फा टू द पावर जीरो हो जाएगा राइट सॉरी, और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग पहले एक चीज और लिख देते हैं इसमें, probability that x is taking value r is proportional to the alpha to the power r right or not, so that means what,
the probability of x is equal to value 0, probability of x is taking value r, you can write this thing as it is equal to k times alpha to the power. It is what? Equal to k times alpha to the power r. Okay? So now you can write easily the values of all the things. So probability of x is equal to 0, to aap bologe k times alpha to the power 0. So aap log idhar likhoge, it is sir k alpha. Now probability of x is equal to 1, to aap bologe sir it is k times alpha, k into alpha to the power 1. तो ये आपका वापस हो गया, सॉरी ये के अल्फा नहीं होगा, ये सिर्फ के होगा और ये आप लोग का हो गया के अल्फा. क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप लोग ये लिखोगे के टाइम्स अल्फा का पावर स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा का पावर स्क्वायर, राइट? तो सेम वे आप लोग ऐसे लिखते जाओगे, सेम वे आप लोग इसको इस तरीके से लिखते जाओगे, राइट और नॉट? बट वन थिंग आई एम रिमेंबरिंग दैट sigma of p of x, right? So probability of x तो हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब k plus k alpha plus k alpha का square plus k alpha cube, ये आपका infinity तक जाएगा, right or not? So this is the sum of infinite GP. ये आप लोग का कैसा बन गया? It is sum of infinite GP. राइट और इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर आनी चाहिए? 1. सो व्हाट इज दिस गाइस, दिस इज योर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. ये आपका हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पता है, और अगर आप कॉमन रेशियो इसमें देख लो तो अल्फा होगा, तो इट इज इक्वल टू ऑलवेज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ऑलवेज इक्वल टू a upon 1 minus r. सो योर a इज k, दैट इज फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर. आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो आप लोग का आर हो जाएगा. सो के अल्फा डिवाइडेड बाय के, सो आर आपका हो जाएगा अल्फा, आर आपका हो जाएगा अल्फा, और उसका वैल्यू आपका 1 है, उसका वैल्यू आपका 1 है. दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के गाइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, राइट? इधर से आप लोग का के का वैल्यू क्या आया? सो यू गॉट द आंसर ऑफ के इज व्हाट? 1 माइनस अल्फा. योर आंसर ऑफ के गाइज इज व्हाट? 1 minus alpha. See how they make the question over here, right? Question कैसे बना सकते हैं? So मुझे find क्या करना है? मुझे find करना है k की value आ गए, मुझे find करना है probability that x is taking 0 value. So that will be equal to k into alpha to the power 0. तो इसका answer आपका k आ गया. But k का answer actual में कितना है? 1 minus alpha. K का answer आपका 1 minus alpha है. So over here you can see guys, the probability that x takes the value 0, उसका आंसर आपका कितना आ गया? 1 by alpha आ गया, 1 by alpha. So that is why I have ticked here option B, right? That is why मैंने इधर क्या टिक किया है? Option B टिक किया है. समझ आई guys? सब लोगों, guys समझ में आया कि नहीं? सब लोगों yes or no बताइए. All the students over here, are you getting this point guys? चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो दोनों मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास अटेंड करते, बाकी सारे स्टूडेंट जो है कभी कभी मॉर्निंग में होते, कभी कभी इवनिंग में होते, राइट? ठीक है, चलो, बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट? सो वेरी गुड गाइज, आप लोग को समझ में आ गया सब लोग को? यस 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 यस, कम ऑन, आई वॉन्ट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल गाइज, राइट? चलिए, सो दिस इज योर the question on your probability discrete, so discrete probability distribution, right? ये ऐसे question और इस तरीके से question frame हो सकते हैं, right? इस तरीके से question frame हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, so आप लोगों को ये question समझ में आया ना सबको, right? Simple question है, कोई हम लोगों को और कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ हमें एक ही चीज की बता दी कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है उसका समेशन 1 होता है, तो उसके हिसाब से हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए, राइट? सो नाउ दिस इज गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन गाइस, गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन सी ओवर हियर, x is the discrete random variable, p of x is the probability density, the standard deviation, okay, standard deviation sd, SD क्या होता है? Standard deviation is root of variance. So first you will find the variance over here and then you will take the root of variance. You will get the answer over here. Just this is very simple. Solve it very fast guys. ये बहुत fast solve हो सकते हैं आपसे. कोई गलती नहीं होना चाहिए. Simple straightforward question. Simple आपका straightforward question है. Gate 2014 में ये question पूछा गया है. Right? Gate 2014 के अंदर ये क्वेश्चन को पूछा गया हुआ है, राइट और नॉट? सो हियर इट इज गिवन द एक्स, हियर इट इज गिवन एक्स, और उसके बाजू में हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स.
उसके बाजू में हमारे पास है पी ऑफ एक्स। सो एक्स और पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, एक्स और पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। सो एक्स कैन टेक द वैल्यू 1, 2, 3 एंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ एक्स हो जाएगा 0.3 आपके पास, 0.6 आपके पास, 0.1 आपके पास हो गया। ठीक है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले x इंटू पी ऑफ एक्स में निकाल के रखूंगा क्योंकि मुझे मीन चाहिए होगा, राइट। सो x इंटू पी ऑफ एक्स मेरा हो गया 0.3, 0.6 इंटू 2 इज 1.2 एंड 0.1 इंटू 3 इज 0.3। सो इफ यू फाइंड द सिग्मा ऑफ ऑल दिस थिंग, इफ यू फाइंड द सिग्मा ऑफ पी ऑफ एक्स एट x इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 7.2। तो आप लोगों का मीन बन गया 7.2। ठीक है, राइट, ये आपका 7.2 नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा 0.6 प्लस 1.2। सो मेरे पास वो आंसर हो जाएगा 1.8। दिस इज योर 1.8, सिग्मा 1.8 आपका हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, नाउ व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, x square into p of x, what is x square into p of x guys, x square into p of x, okay, chalo sab log ka answer aa raha hai, that is very good, just I am writing over here x square into p of x, that is 1 into 0.3, 1 ka square into 0.3, matlab ye aapke paas 1.3 deta, 2 ka square 4, 4 into 0.6, that is 2.4, 3 square is 9, 9 into 0.1, to aap log ka 9 into 0.1 aap log ka ho jayega 0.9, just add it up, this is 2.7 plus 0.9, that is 3.6, 2.7 plus 0.9, that is 3.6, this is sigma x square of p of x, this is what, sigma x square of p of x. So first I will find variance, variance is equal to what, sigma of x square into p of x minus the mu, minus mu ka square, so that is equal to, thus just give me the answer over here, 3.6 minus 1.8 ka square karke, mujhe just answer batao guys, what is the answer of this 3.6 minus 1.8 ka square karke, variance ka answer pehle aap log bata doge please, what is the answer of variance, okay 0.36 is your answer, 0.36 is my answer of variance. So what is standard deviation, that will be under root of variance, under root of variance, so this will give me 0.6 as my answer, this will give me 0.6 as my answer, my answer is option D guys. See the simple question from the, agar aap log ko deep knowledge hai, अगर आपने स्टैट्स को भी पढ़ा प्रोबेबिलिटी के साथ साथ, आप देख सकते हो ना कैसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते कभी कभी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, ऐसे क्वेश्चन आ गए मतलब आप लोग को ये सारी चीज आ गए, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग, कभी पढ़ा ही नहीं होता इतना डीपली, उनको पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द, और आप लोग के बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको रैंडम वेरिएबल और ये सारे टॉपिक में बहुत डिफिकल्टीज होती होगी, राइट, बट नाउ दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू, नाउ दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, वेरी सिंपल टॉपिक है रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना मेरे हाथ में तो मेरे लिए ये इजी लगता है, अदर देन इफ आई एम गेटिंग द प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन और आई कैन से बेस थ्योरम, राइट, वैसे वो भी सिंपल है बट वहां पे लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा ये चीज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो इज ऑलवेज वेरी इजी, राइट, स्टैट्स हमेशा इजी होता है। ठीक है गाइज, समझ में आया, यस और नो, चलिए बताइए मुझे, सब लोग का आंसर आ गया ना ये, सब लोग का गाइस देखो मोहित ने आंसर बता दिया था, यस दर्शन का भी आंसर आ गया और सब लोग का भी आंसर आ गया, ओके निकिता आल्सो इज गेटिंग आंसर, श्रिया इज आल्सो गेटिंग आंसर, वेरी गुड गाइस, सो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई, राइट, सो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये चीज आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, राइट, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर, सी ओवर हियर, गेट 2017 वन मार्क क्वेश्चन, अ सिक्स पेयर डाइस इज रोल्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स, the mean value of the outcomes, the mean value of the outcomes, okay, so x, suppose main ek random variable x ko assign karta hu outcomes ko, right, outcomes ko x mein assign karta hu, to aapke paas agar tum log ne ye experiment kiya, agar tumne ye experiment kiya to aapke paas outcome x ki values kya kya aa sakti hai, so aap bol sakte ho 1 2 3 4 5 and 6 aapke paas outcome jo hai column type like mean, median or that type of question are not. Yes, यार वो थोड़ी पूछेंगे, वो तो सब आप बचपन में किया करते थे, हाँ कभी कभार एक आध बार पूछा होगा, that I don't know, right? कभी कि वो mean, median और वो सारे questions आते, वो कभी नहीं, हाँ अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होते हो तुम तो आप लोग वो मीन मीडियन वाला भी एक बार टॉपिक देख लेना गाइज, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद आ सकता है, मतलब वो the chances of coming the question from that median and all that concept is very less.
राइट द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये प्रोबेबिलिटी का मीन है. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का नाम है गाइस. प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स आपका टॉपिक का नाम है. तो आपका इसमें से क्वेश्चन बनेगा हमेशा. ये क्वेश्चन इसी में से बनेगा. राइट यस. हमने आउटकम क्या है तो इधर जस्ट मैं वो प्रोबेबिलिटी हर एक आउटकम की मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ईच एंड एवरी आउटकम इज 1/6. सबकी प्रोबेबिलिटी गाइस देखो 1/6 हो जाएगी ना. इधर सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा. राइट और नॉट, राइट और नॉट, राइट. तो सिंपल ये हमारे पास क्या हो गया. अगर तुम लोग इसको एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करोगे, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम है. सो 1 × 1/6 इज 1/6. देन ये आपका आ जाएगा 2 × 1/6. राइट, 2 × 1/6. राइट, सो एवरेज. अब देखो सिंपल है इसका. तो एवरेज नंबर ऑफ आउटकम ऐसे निकाल सकते हैं ना हम लोग. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 6 टोटल. राइट, एज योर 6 पेयर डाइज और एवरेज नंबर ऑफ आउटकम हो जाए. ऑलरेडी सैंपल स्पेस में नंबर्स ही है तो वहां पे रैंडम वेरिएबल की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती थी ना. तो ये डायरेक्टली आंसर हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है. ये सर मेरा आंसर है 3.5. सो अगर तुम इसको ब्रेक करते हो तो ये आप लोगों को मिलेगा 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, 4 × 1/6. तो यही चीज होगी ना, एक्स इंटू इसका. ये चीज आपका एक्स इंटू पी ऑफ एक्स ही मिलेगा आपको. ये पूरी चीज का आंसर आपका सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स ही मिलेगा. वो मिली मीन ही आपको मिल जाएगा. ये ऑलरेडी करके रखा है. देखे वन मार्कर क्वेश्चन है. देखो 3 × 1/6, फिर ये हो जाता 4 × 1/6, फिर ये होता था 5 × 1/6 मतलब 5/6, और ये आपका 6 × 1/6 मतलब 6/6. सबका अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.5. सो एवरेज नंबर ऑफ आउटकम इज 3.5 गाइस. राइट गाइस, गाइस आपको समझ में आ रहा है. एवरेज नंबर ऑफ आउटपुट इज माय 3.5 ओवर हियर. 3.5 यस और नो बताइए मुझे. चलिए सब लोग राइट गाइज, आप लोग सब लोग बताइए यस और नो. समझ में आया सब लोग को. एवरेज नंबर ऑफ आउटकम इज 3 and 5. 3.5 करेक्ट. सब लोग को समझ में आ गया. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं तो एक और क्वेश्चन, गेट 2020 क्वेश्चन गाइस. गेट 2020 का एक क्वेश्चन है हमारे पास. राइट और नॉट. सो दिस इज माय क्वेश्चन ऑफ गेट 2020 का क्वेश्चन है. राइट, चलो सब लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ इसको समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए. राइट, सब लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ. एज ऑल यू ऑल आर गिविंग गेट इन 2022, सो आप लोग समझो कि ये गेट में ऐसा एक क्वेश्चन आया. राइट और नॉट, ये रिसेंट क्वेश्चन है आप लोग का, 2020 का क्वेश्चन है. तो आप लोग समझिए इसको कैसे करना है. ठीक है, आप लोग जस्ट मुझे बताइए हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दिस, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, राइट और नॉट. चलिए बताइए. वेरी गुड, चलिए सब लोग ट्राई करेंगे गाइज. एवरीवन विल ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, सब लोग इसको ट्राई करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को आया कि नहीं आया. ठीक है, देन ओनली आई कैन नो दैट यू आर डूइंग और नॉट. ठीक है, चलिए वेरी गुड, ऑल आर ट्राइंग, सब लोग ट्राई कर रहे हैं. ओके, आई एम फाइंडिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस. इफ यू गाइस कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सो अगर रिसेंटली कहीं पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो मैं चेक कर लेता हूं गाइस. ठीक है, ओके. सो ये 2020 का तो ये क्वेश्चन है ही. राइट गाइस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2020. राइट, कहीं ना कहीं कोई पेपर में था. द टू साइड्स ऑफ द फेयर कॉइन आर लेबल्ड, द टू साइड्स ऑफ द फेयर कॉइन आर लेबल्ड लाइक दिस. राइट, द टू साइड्स ऑफ द फेयर कॉइन आर लेबल्ड. चलिए ओके, टू साइड्स ऑफ फेयर कॉइन आर लेबल्ड. नाउ यू कैन सी, जस्ट यू हैव टू मेक द टेबल. अब आप लोग को अब कॉइन है उसमें लेबलिंग क्या किया है, 0 and 1 का किया है. द कॉइन इज टॉस 2 times, राइट और नॉट, इंडिपेंडेंटली. कॉइन इज टॉस 2 times इंडिपेंडेंटली. लेट एम एंड एन डिनोट द लेबल करस्पॉन्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ दोस टॉसेस. लेबल करस्पॉन्डिंग द आउटकम्स ऑफ दोस टॉसेस, राइट और नॉट. एम एंड एन वो डिनोट करता है. फॉर रेंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड एज एक्स इज वॉट मिनिमम ऑफ एम ऑन एन. तो हमारा रेंडम वेरिएबल क्या है, मिनिमम ऑफ एम एंड एन. The expected value of e of x is rounded off to what? Is rounded off to 2 decimal places is what?
right? This thing you have to find. This thing you have to find. Very good. The students are answering. That is very good. आपने try किया वो सही बात है. Most of the students are getting correct answer also, right? So अगर आप लोग देखोगे इधर से, so what are my अगर आप coin को toss कर रहे हो ना, तो आपके पास possible outcomes कितने हो सकते हैं? Sample space आपका क्या बन सकता है? तो omega के अंदर अगर आप elements देखने जाओगे, sample space के अंदर आप elements देखने जाओगे, तो it can be zero zero मतलब head head समझो, ठीक है? Head और tail होता है, but इसके अंदर बोला है कि zero and one labeling है. Then आप लोग बोलोगे zero and one. Then, आप लोग बोलोगे इधर से 0 1 आ गया या आपके पास आ गया 1 0 और या तो आपके पास आ गया 1 and 1 right? So these are the possible outcomes. These are what possible outcomes. So M and N denotes the outcomes. M और N. So ये आप लोग का इधर इधर आप देख लो M और N का मतलब क्या, इधर आपका M और N का मतलब क्या, M आपका 0 आया और N भी 0 आया, right or not? इसका मतलब ये है, ठीक है? इधर आपका M 0 आया, N value 1 आया. इधर आप लोग का m वैल्यू 1 है और n वैल्यू 0 है और इधर दोनों में m और n दोनों 1 है, ठीक है? मतलब ये जस्ट आप लोग को कंफ्यूज करवा रहा है ना. m एंड n डिनोट द लेबल्स करस्पोंडिंग टू द आउटकम्स ऑफ दोस टॉसेस. पहले टॉस में 0 आया, दूसरे टॉस में 0 आया, मतलब m 0 n 0. पहले टॉस में 0 आया, दूसरे टॉस में 1 आया. पर ओके, बट नाउ व्हाट इज माय x? नाउ माय x इज व्हाट? सी गाइस, x मेरा क्या है आप बताओ मुझे. चलो तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू योर मिनिमम ऑफ m एंड n, मिनिमम ऑफ m एंड n. So minimum of m and n मतलब 0 और 0 में से minimum number कौन सा है 0, 0 और 1 में से minimum number कौन सा है 0, 1 और 0 में से minimum number कौन सा है 0, and 1 और 1 में से minimum number आपका कौन सा है, sorry 1 और 1 में से आपका minimum number क्या है 1, right? So अगर आप लोग x का table बनाओगे और p of x का table बनाओगे ना, right? So आपके पास x या तो 0 आ सकता है या तो आपका x 1 आ सकता है. आप check कर लो, x आपका रैंडम वेरिएबल के अंदर दो ही वैल्यू असाइंड हो पा रही है, या तो जीरो वेरिएबल असाइंड हो पा रही है या आपका वन वेरिएबल असाइंड हो पा रहा है, राइट और नॉट? सो नाउ व्हाट इज जीरो, नाउ व्हाट इज जीरो, राइट ओवर हियर यू कैन सी ओवर हियर. तो जीरो कितनी बार आया, 3 बार आया आउट ऑफ दिस 4 टाइम्स एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. तो जीरो की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 3/4, राइट? एंड व्हाट वन कितनी बार आया, एक बार आया, तो वन की आने की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास 1/4. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग गाइस, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग जस्ट x into p of x. मैं लिख रहा हूं x into p of x. सो 0 into 3/4 मेरा 0 आ गया और 1 into 1/4 मेरा 1/4 आ गया. अगर मैंने x into p of x को समेशन कर दिया, x into p of x को मैंने समेशन कर दिया, मेरा आंसर 1/4 प्लस 0 1/4 आता, तो उसका जो आंसर है मेरा वो 0.25 आ जाता. मेरा आंसर जो है ना गाइस वो 0.25 आया, राइट? सो आई गॉट द आंसर इज व्हाट, आई गॉट द आंसर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e ऑफ x इज व्हाट, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e ऑफ x इज व्हाट, योर आंसर इज 0.25, राइट? आई होप यू गाइस गॉट अंडरस्टूड ओवर हियर, ठीक है गाइस? समझ में आया कि नहीं सब लोग को बताइए मुझे, right or not? Everyone is getting or not? Everyone is getting or not? This is a very simple thing. A very simple thing. This is the expected number is this, right? Expected number is this. Clear? Clear or not? Okay. Okay. I hope you guys got clear in that, right? चलिए सब लोग को ये समझ में आ गया. Very good guys. सब लोग को ये चीज आप लोग को एकदम simple way में समझ में आ गया, right or not? So this is the question of this random variable distribution, right? Aisa ek question hota hai, random variable distribution. Okay, now I am finding some more questions from my book, right? About the random variable distribution. To wo ek bar hum log dekh lete ki kahan pe mujhe mil raha hai. Kahin pe agar mujhe uska question mil jata hai aur ek, so hum log usi ko bhi likhenge, right? I will write that question also. Usko bhi hum log solve karenge. Okay, 1 minute. Oh, guys, just a minute. Just I'm checking over here. Just I'm checking over here. Right, because there are many distributions are there. We have to now study also continuous distribution also. वो भी हम लोग को पढ़ना है ना. Continuous distribution भी तो हम लोग को पढ़ना है. तो उसी के अंदर से हम लोग देख लेते एक बार. So I'm just checking over this thing. Okay. ओके चलिए. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो है गाइस, ओके एक 2014 वाला हम लोग ने कर लिया है ना. यस, एक क्वेश्चन हम लोग ने 14 वाला जो है वो हो चुका है. ओके ओके
लाइट ठीक है। गाइस तो हम लोग इधर से वन मिनट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू फ्रॉम विद द प्रोबेबिलिटीज आर शोन इन फिगर अ स्टूडेंट कैलकुलेट द मीन एक्सेस 3.5 एंड हर रीजन। ओके ओके सी ओवर हियर वन मोर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2009 राइट। एक गेट 2009 का एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। गेट 2009 का एक क्वेश्चन पूछा गया था राइट। सो सिंपल आप लोग के पास एक क्वेश्चन है। देखो यार अ डिस्क्रीट आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन गाइस ओवर हियर यू जस्ट नोट इट डाउन। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स आर वी टेक्स द वैल्यू takes value from a discrete random variable RV takes value from 1 to 5 with probability as shown in diagram with probability as shown right। मतलब वो नीचे मैं आपको टेबल में बना के दूंगा राइट। A student calculate mean mean as 3.5 and teacher calculate variance as 1.5। teacher का variance का answer आ रहा है 1.5। which of the following statement is true? Which of the following is true? Right? ये आपका question है और मैं आपको probability लिख देता हूँ। So I am having some random variable x जो है वो मेरे पास है इधर। Random variable x is equal to your 1, 2, 3, 4 or 5 और probability of x आपको दिया हुआ है इधर। Probability of x आप लोगों को दिया हुआ है कितना है वो 0.1 then it is your 0.2 then it is your 0.4 0.2 आ गया इधर और ये 0.1 आ गया। ठीक है आप लोग को इसका मीन और ऑप्शन जो दिया है इसमें से स्टूडेंट मतलब s इज करेक्ट राइट और नॉट। बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर आर राइट मतलब स्टूडेंट भी राइट है और टीचर भी राइट है ये एक स्टेटमेंट था। फिर आप लोगों का दूसरा स्टेटमेंट था स्टूडेंट भी रॉन्ग है और टीचर भी रॉन्ग है। देन एक और स्टेटमेंट था स्टूडेंट राइट है टीचर रॉन्ग है और डी स्टेटमेंट आपका टीचर रॉन्ग है सॉरी स्टूडेंट रॉन्ग है और टीचर राइट है। ये मुझे बताना स्टूडेंट रॉन्ग है एंड टीचर इज राइट दैट आई हैव टू शो राइट व्हाट इज द आंसर देन द स्टूडेंट इज राइट बट टीचर इज रॉन्ग द स्टूडेंट इज रॉन्ग। ठीक है ये ऐसा है तो स्टूडेंट और टीचर ने मिलकर कुछ इसका मीन और वेरियंस निकाला हुआ है। स्टूडेंट ने मीन निकाला टीचर ने वेरियंस निकाला। जस्ट गिव मी योर आंसर गाइस जस्ट गिव मी द आंसर। दिस वॉज गेट 2000 ईसी इंजीनियरिंग क्वेश्चन गेट 2009 ईसी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग को निकाल देना है। ठीक है इसका आंसर जो है वो निकालना है। व्हाट इज योर आंसर राइट गाइस। चलिए इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। व्हाट विल बी माय आंसर What is your answer, guys? चलिए दोनों wrong है ऐसा आ रहा है दोनों wrong है ऐसा आप लोग का आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिए आप लोग जरा राइट। सो अगर हम लोग आंसर इधर लिखेंगे तो x into p of x guys this is what x into p of x yes 2020 batch है 2022 batch है पूरी की पूरी। क्या हो गया जैनिश कोई प्रॉब्लम है उसमें मतलब आर यू हैविंग एनी डाउट राइट ओके x into p of x इज योर यू कैन सी ओवर हियर दिस इज 0.1
ये आपका 0.4 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा, और ये 0.8 हो जाएगा, और ये आप लोग का 0.5 हो जाएगा। चलो सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स निकाल दो फिर, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सो दिस इज 0.5 प्लस 0.5 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2.2, 2.8, तो 3 आंसर आना चाहिए, मीन का आंसर 3 आना चाहिए। स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट रॉन्ग है भाई, स्टूडेंट रॉन्ग है। तो वैसे आपके ऑप्शन एक इधर बचता है और एक बी ऑप्शन बचता है। अब वेरियंस आपने कैलकुलेट किया वो भी देखा, टीचर ने रॉन्ग कैलकुलेट किया, राइट नॉट, टीचर ने भी वेरियंस रॉन्ग कैलकुलेट किया। कितना आता है एक्चुअल वेरियंस आंसर का, कितना आता है गाइस, एक्चुअल वेरियंस का आंसर कितना है बताओ मुझे, व्हाट इज द एक्चुअल आंसर ऑफ द वेरियंस ओवर हियर, राइट। ये तो मेरा 3 आ गया, चलो मीन तो मेरा 3 आ गया, एक्चुअल वेरियंस का आंसर जो है वो आ रहा है 1.2 के अराउंड। ओके चलो, एक्चुअल वेरियंस का आंसर है 1.2 और टीचर ने आंसर दिया 1.5। ओके टीचर ने आंसर दिया 1.5, सो दोनों स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर बोथ आर रॉन्ग। So if both are wrong, then my answer is right. If both are wrong, then my answer is right. Correct? हमारा अगर दोनों wrong कर रहे हैं ना तो हम लोग right हैं। अगर दोनों answer wrong दे रहे, then we are right. Right or not? So right? So that is student is wrong and teacher is wrong. Then our answer is right. That is correct. Option B is your correct answer. Right? So like that, guys. Like that, you can see over here. This is your random variable, right? Distribution. From the next class, I will start with the binomial distribution. Then we will see the Poisson distribution. So, आज के evening, आज के रात के class में we will be seeing two distributions. That is, one is a binomial distribution, and then one will then we can start with the continuous random variable distribution. ठीक है? So, एक binomial distribution, एक discrete random variable distribution होता है. उसको हम लोग आज check करके, उसको हम खत्म करके, we will start with the continuous random variable distributions. Right, I will announce also some of the extra class for to complete this topic, right? So then we will be remaining with only the normal random variable distribution, right? Ek to normal random variable distribution sirf hamara reh jayega, uske liye hum log ko ek extra class lagana padega, right or not? Normal random variable distribution ke liye we will be seeing some extra class. And again, now if you guys are not knowing, okay, chalo hum main kaam bhi karunga. जो गाइस को मीडियन मोड और उसके बारे में कोई पता नहीं है तो उसकी नोट्स जो है ना मैं डायरेक्टली आपको शेयर कर लूंगा, तो वहां पे आप लोग मीडियन मोड और वो सारी चीज कैसे निकालते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते उसके क्वेश्चंस, तो वो नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें से डायरेक्ट को निकाल देंगे, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को तो फिनिश कर देंगे, मंडे को मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं, एक ही इवनिंग क्लास ही रख पाऊंगा, मॉर्निंग आई कैन नॉट कीप बिकॉज as schedule was discussed earlier, वहाँ पे मेरा मंडे मॉर्निंग इसलिए नहीं रखा था बिकॉज आई एम हैविंग सम अनदर शेड्यूल, सो ओनली इवनिंग क्लासेस फ्रॉम मंडे, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल टेक ट्यूजडे, राइट, बट आई विल ट्राई मोस्ट प्रोबेबली टू कम्प्लीट ऑन मंडे गाइज, राइट। सो आई विल ट्राई मोस्ट प्रोबेबली, यस, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, राइट गाइज। सो फ्यू मोर लेक्चर्स यू हैव टू बेयर मी, राइट, आप लोग को मुझे सहन और दो लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली करना पड़ेगा, प्रोबेबली टूडेज इवनिंग लेक्चर एंड टुमारोज इवनिंग लेक्चर, and then we can complete with the most important topics of this mathematics, right? ये आप लोग के important topic जो है ना वो इधर खत्म हो जाएंगे, clear है guys ये बात सब लोग को, everyone is that clear for all, right guys, है ना, चलिए, very good, चलिए, so I am leaving today guys, I am leaving today, हम लोग मंडे को इवनिंग में सर इन न्यूमेरिकल मेथड NRM मेथड दैट इज एक्सेप्ट मेथड दैट इज okay in numerical method in Newton Raphson method that is accept method convergence and divergence in syllabus no there is no not like that only numerical method only yes Altamash only numerical method right koi divergence nahi and I want to just ask you Altamash in which college you are Nirma okay you are in Nirma okay theek hai chaliye सो जस्ट बिकॉज सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है आपका इंजीनियरिंग मैथ्स का, और इसलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब विद कंपेयर टू जीटीओ दोनों का सेमेस्टर वाइज अलग रहता है, सो जस्ट यू हैव टू डिस्कस ओनली न्यूमेरिकल मेथड्स, नॉट ऑल अदर मेथड्स, राइट सर? यस सर। ओके चलिए सर। यस बोलिए नहीं सर। सर हम जो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स निकालते हैं उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं और यू भी बोलते हैं ना। हाँ मीन उसका मतलब एक्स बार हो गया मतलब मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया या तो उसको हम बोलेंगे म्यू, वो भी हो गया, तीनों तीन चीज सेम ही हुई, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई एम लीविंग नाउ, राइट गाइस, चलिए।